हेलो गाइज, मैं हूं अमित और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है स्पोर्टशाला में। गाइज, जब भी हम किसी बॉलर्स को या बैट्समैन को कंपेयर करते हैं तो हम कुछ चीज़ों को देखते हैं, जैसे कि बैट्समैन का स्ट्राइक रेट, बैट्समैन का एवरेज, बॉलर का बॉलिंग इकोनॉमी, बॉलिंग एवरेज। लेकिन जो है काफ़ी लोगों को कई बार कन्फ्यूजन रहता है कि ये वास्तव में क्या चीज़ें हैं। उन्होंने सुना तो होता है कि बॉलिंग एवरेज होती है, इकोनॉमी, स्ट्राइक रेट वगैरह, लेकिन उनको एग्जैक्टली आइडिया नहीं होता कि वास्तव में क्या चीज़ें होती हैं। तो आज इस वीडियो में आपके वो जो डाउट्स हैं उनको हम क्लियर करने वाले हैं। इसके बाद में आपको जो है इन चीज़ों से रिलेटेड तो कोई भी डाउट नहीं रहेंगे। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। रेड वाले सब्सक्राइब बटन को दबा लीजिए, उसके बगल में जो घंटी है उसको बजा लीजिए और स्पोर्टशाला की एक और वीडियो का मजा लीजिए। तो गाइस, शुरुआत करते हैं बैटिंग के साथ में और सबसे पहले लेते हैं बैटिंग स्ट्राइक रेट को। तो स्ट्राइक रेट क्या होता है, सीधे सीधे शब्दों में एक बैट्समैन पर 100 बॉल्स में यानी कि 100 गेंदों में ऑन एन एवरेज वो कितने रन बनाता है, यही होता है स्ट्राइक रेट। जो है टोटल बॉल्स उसने खेली हैं और टोटल रन जो उसने बनाए हैं, उन चीज़ों को कंपेयर किया जाता है स्ट्राइक रेट के थ्रू। यानी कि अगर एक बैट्समैन का स्ट्राइक रेट ज़्यादा है तो इसका मतलब वो बैट्समैन तेज खेलता है, कम बॉल्स में ज़्यादा रन बनाता है। अब आता है बैटिंग एवरेज, जो कि सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज करता है लोगों को। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज इसलिए करता है क्योंकि फंडा ही कुछ ऐसा है, बैटिंग एवरेज आप सोचते होंगे होता है कि कितने रन बैट्समैन ने बनाए टोटल डिवाइडेड बाई कितने मैचेस उसने खेले। ये जो है एक आमतौर पर थिंकिंग होती है, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं होता। बैटिंग एवरेज वास्तव में होती है बैट्समैन ने कितने रन बनाए डिवाइडेड बाई वो कितनी बार आउट हुआ, यानी कि पर आउट होने के बेसिस पे उसने कितने रन बनाए, यानी कि एक बार आउट होने में बैट्समैन कितने रन बनाता है, ये होता है बैटिंग एवरेज। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लें एक जनरल ऐसे एग्जाम्पल कि अगर एक बैट्समैन ने 10 मैचेस खेले और उसने 500 रन बनाए, तो हम ये नहीं कह सकते कि उसका एवरेज 50 है, यानी कि 500 डिवाइडेड बाई 10, ये नहीं कह सकते हम। क्यों? क्योंकि वो बैट्समैन हो सकता है 5 बार उसे खेलने का मौका ही ना मिला हो, उसे 10 बार, और हो सकता है कि उसने खेला तो हो लेकिन वो नॉट आउट रहा हो, वो आउट ना हो पाया हो, तो उस केस में भी जो है जो एवरेज है वो बढ़ेगा। सपोज कीजिए कि बैट्समैन जो है उसने 5 ही बार वो आउट हो पाया, उसके अलावा जो है वो या तो नॉट आउट रह गया, उसका नंबर नहीं आया। तो बैट्समैन ने बनाए 500 रन हमें पता था और बैट्समैन आउट हुआ है 5 बार, तो इस केस में जो बैटिंग एवरेज होगा वो हो जाएगा 500 डिवाइडेड बाई 5। इसका मतलब उसका एवरेज हो गया 100 रन, 50 की जगह 100 रन होता है एवरेज इस केस में। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ रहे होंगे। या तो आप कर सकते हैं कि कितने रन बनाए डिवाइडेड बाय कितनी बार आउट हुआ, या फिर कितने रन बनाए डिवाइडेड बाय कितने मैचेस खेले माइनस कितनी बार नॉट आउट रहा। समझ रहे हैं ना आप? क्योंकि अगर एक बैट्समैन नहीं खेलता है किसी मैच में, उसका नंबर नहीं आता, तो भी वो नॉट आउट ही रहता है। तो इस तरीके से आप बैटिंग एवरेज कैलकुलेट कर सकते हैं और इसीलिए जो है कन्फ्यूजिंग ज़्यादा है। तो अब आते हैं बॉलिंग के ऊपर। बॉलिंग में सबसे पहले अगर बात करें बॉलिंग एवरेज की, तो जो बैटिंग एवरेज होता है और स्ट्राइक रेट होता है वो एक बैट्समैन का ज़्यादा होता है तो हम कहते हैं कि बैट्समैन का परफॉर्मेंस अच्छा है, बैट्समैन अच्छा खेलता है। वहीं जो बॉलिंग एवरेज होता है वो बॉलर का जब कम होता है और जो इकोनॉमी होता है वो जब कम होता है, तो हम कहते हैं कि बॉलर का जो बॉलिंग है वो अच्छा है कंपेयर टू दी अदर बॉलर जो भी है। तो बॉलिंग जो एवरेज है वो होता है उसी तरह होता है बैट्समैन की तरह ही कि टोटल नंबर ऑफ रन्स जो बॉलर ने दिए डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ रन्स डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ विकेट्स जो कि बॉलर ने लिए, यानी कि इतने रन देकर टोटल इतने विकेट लिए। अब ये चीज़ें एवरेज जो है आप उसके करियर का पूरा कैलकुलेट कर सकते हैं, किसी एक टूर्नामेंट का कर सकते हैं या फिर उसके किसी एक ईयर का कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि किस चीज़ का एवरेज आप कैलकुलेट कर रहे हैं। बिल्कुल सिंपल है, यानी कि बॉलर जो है कितने रन देता है एक विकेट लेने के लिए, वो होता है उसका बॉलिंग एवरेज। सपोज कीजिए एक बॉलर ने अभी तक 4 मैचेस खेले हैं और उसने अभी तक टोटल 100 रन दिए हैं, बिल्कुल सिंपल एग्जांपल हम ले रहे हैं, तो इसका मतलब उसका बॉलिंग एवरेज रहा है 100 डिवाइडेड बाय 4, यानी कि उसने 4 मैचेस खेले हैं, 100 रन दिए हैं, तो उसका एवरेज रहेगा 25। एक विकेट लेने के लिए उसने 25 रन दिए अभी तक एवरेज। और चौथी चीज़ हमारे पास में जो बची है वो है बॉलिंग इकोनॉमी। तो बॉलिंग इकोनॉमी वैसी चीज़ है, अगर एक बॉलर की बॉलिंग एवरेज जो है वो कम है और बॉलिंग इकोनॉमी कम है, तो इसका मतलब वो जो बॉलर है अच्छा बॉलर है, इस तरीके से हम कंपेयर करते हैं, क्योंकि उसने कम रन दिए हैं। अगर इकोनॉमी की बात करें तो इकोनॉमी होती है कि एक बॉलर ने एक ओवर में ऑन एन एवरेज कितने रन दिए, सीधी सी बात है। अगर एक बॉलर की इकोनॉमी फॉर एग्जाम्पल 6 रन है, तो इसका मतलब वो बॉलर एवरेज हर एक ओवर में 6 रन देता है, और 6 रन अगर आप लगाएं T20 मैचेस के हिसाब से तो बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत अच्छी इकोनॉमी मान सकते हैं। तो इस हिसाब से जो है बॉलिंग इकोनॉमी कैलकुलेट की जा सकती है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर से लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।